नमस्कार बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बताते चले कि अयोध्या के बीकापुर पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस चौकी चौरे बाजार में रंगे हाथ शातिर चोर हुए गिरफ्तार, जिसमें चोरी गई स्कूटी व 2 अदद साउंड के साथ 3 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार, जिसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या के आदेश के अनुपालन में अपराध है व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय एवं श्रीमान SB तिवारी क्षेत्राधिकारी बीकापुर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 31 मई 2021 को प्रभारी निरीक्षक बीकापुर के कुशल अगुवाई में उप निरीक्षक अभिनंदन पांडे और उनके हमराही टीम द्वारा विसुही नदी पुल बरहुपुर मोड से अभियुक्त गण मोहम्मद फहीम उर्फ इरफान पुत्र मोहम्मद नईम, चंदबाबू पुत्र मोहम्मद समीम निवासी गण माझा सोनौरा थाना हैदरगंज अयोध्या व सूरज पुत्र रमेश कुमार निवासी लखौरी थाना रौनाही जनपद अयोध्या को चोरी गई सामान बरामदगी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें अभियुक्त मोहम्मद फहीम उर्फ इरफान के पास से 2 बड़े साउंड व 2,200 रुपए नकदी तथा अभियुक्त चांद बाबू के पास से 1 पिट्ठू बैग जिसमें वेल्डिंग मशीन की सामग्री व 3,000 रुपए नकद तथा अभियुक्त सूरज के पास से 1 सफेद एक्टिवा स्कूटी है, जिस पर नंबर नहीं है। स्कूटी के साथ 2,000 रुपए नकदी के साथ समय करीब 6:24 पर सुबह गिरफ्तार किया गया, जिनके प्रति विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज कर सक्षम न्यायालय भेजा जा रहा है। देखें खास रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फूलचंद अयोध्या। के अंतर्गत चोरी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अभिनंदन पांडे की टीम द्वारा आज विसुही नदी पुल के भरहुपुर मोड़ के पास से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मोहम्मद फहीम उर्फ इरफान, चांद बाबू और सूरज हैं। ये लड़के चोरी की घटना में संलिप्त थे। कल 2 मुकदमे चोरी के ऐसे लिखे गए थे, जिसमें इन्होंने 1 एक्टिवा और बीकापुर क्षेत्र के निधियामा बाजार से 1 साउंड की दुकान में चोरी की थी। बीकापुर पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई करके इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से माल बरामद कर लिया गया। इनके द्वारा जो बातें बताई गई उस आधार पर पुलिस और आगे की तफ्तीश में लगी हुई है। मुकदमा कायम करते हुए चोरी की इस घटना का खुलासा किया गया और इस संबंध में हमें आगे जो भी बातें सामने आ रही हैं उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई